नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मौलाना कल्बे जव्वाद ने की प्रशासन से वार्ता। आज को अपना डीएम आवास तक का मार्च कैंसिल किया। कल रात में डीएम का फोन आया था मौलाना कल्बे जव्वाद के पास। एक महीने का वक्त मांगा है जिसमें मौलाना कल्बे जव्वाद साहब की कही हुई सभी बातों को अमल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को लेकर अगर एक महीने के दिए हुए वक्त में प्रशासन अपना वादा पूरा नहीं किया। मौलाना कल्बे आज़ाद हम अपने आवास जौहरी मोहल्ले से जिले की डीएम के आवास तक मार्च निकालेंगे। लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सराज हजर की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 बजे डीएम के अकेले व्हीलचेयर पर जाना था, लेकिन कल रात पे अफसरान आया। उन्होंने वादा किया कि वो एक महीने के अंदर वो अवकाफ के जितने पर नजर कब्जे हो रहे हैं उनकी नफाई करेंगे, क्योंकि हमारा मुतालबा बहुत देर से था कि नफाई हो और ताकि नजर कब्जे को हटाया जा सके। तो उसका वादा किया उन्होंने एक महीने में। इस तरह शहजरी की मस्जिद के लिए उसका वादा है कि वहाँ भी नफाई करके जो वक्फ की ज़मीन है उसको दिखाया जाए कितनी वक्फ की ज़मीन है। इसी तरह से शाहरजब के लिए जो 14 गरीब शियों के लिए नौकरी दे दिए थे तो उनको हटाया जाए, तो वहाँ भी ये हमारी बात थी कि उनको किराएदार, वो है किराएदार लेकिन इस साल से उसे किराया नहीं दिया जा रहा है, दोबारा फिर उसे किराया लिया जाए। और अगर कार्रवाई करना है तो जो बड़े बड़े लोग आजाद कब्जे किए हुए हैं शाहरजब के अंदर उनको उनको छोड़ दिया गया, सिर्फ गरीबों ही उसको निशाना बनाया गया। ये बात भी हमारी उससे हुई है, तो इंशाल्लाह अपने वादे को एक महीने के अंदर पूरा करेंगे। अगर पूरा नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम फिर दोबारा शुरू होगा।